जी मैम बताइए। हाय दिस इज सृष्टि सिंह, मैं कलर्स पे मेरा बालम थानेदार में दृष्टि का रोल प्ले कर रही हूँ। क्या सीरियल में पहली बार आप आए हैं और पुष्कर में आपको कैसा लग रहा है? आपके साथ में और भी पूरी टीम साथ में है, क्या परिजन भी साथ में आए हैं क्या आपके? हाँ मेरी मम्मी मेरे साथ यहाँ पे आई और इट्स माय फर्स्ट टाइम इन राजस्थान और बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है। मैं पुष्कर पहली बार आई हूँ, इससे पहले हम लोग मंडावा में शूट कर रहे थे, वो भी बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पे जो फेमस मंदिर है, हम यहाँ हमें शूट करने का मौका मिल रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और सच में बहुत प्यारी जगह है। मैं ऐसे भी अगर मुझे कभी टाइम मिला तो मैं ज़रूर यहाँ पर आऊँगी और थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करूँगी। बहुत पीसफुल है, बहुत सुंदर है। और आपने क्या पूछा था? इस पहली बार आप अजमेर आए हैं, आप राजस्थान में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही पीसफुल माहौल है और मैं मंदिर में हूँ एंड मैं एक्चुअली हूँ भी थोड़ी स्पिरिचुअल। यहाँ काहे की शूटिंग की जा रही है? हाँ जी, किस सीरियल? यहाँ पे मेरा बालम थानेदार की शूटिंग चल रही है जो कि कलर्स पे आने वाला है बहुत जल्द। बहुत अच्छा लग रहा है, हम पुष्कर में शूट कर रहे हैं और जो शशि सुमित का पिछला शो था दिया और बाती, वो भी यहीं शूट हुआ था और वो बहुत अच्छा चला, तो वही पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम यहाँ आए हैं कि मेरा बालम थानेदार को भी उतना ही प्यार मिलेगा। तो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरा बालम थानेदार देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है शो के पीछे। सोया कहाँ का शूट हुई इनकी शूटिंग कहाँ पे हुई? मांडवा में हुई है, पुष्कर में हुई है, किशनगढ़ में हुई है, पूरा राजस्थान हमने कोशिश किया उसको कैप्चर करने का। एंड यस, युवाओं के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ? यही है कि एक बच्ची है जिसकी शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है बट वो फिर भी मैनेज करती है, तो यंगस्टर्स के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप सोचो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। एंड बहुत कुछ है सीरियल में, प्लीज आप सब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है हमारा सीरियल। अच्छा सर, आज तो चेंज आ रहे हो बिल्कुल।